कृष्ण भाई और आप सभी को मेरा नमस्ते। जितने भी यहाँ गणमान्य अतिथि हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि मेरा परिचय कृष्ण भाई ने दिया है, मेरा नाम अलका प्रसाद है और मैं भोपाल से आई हूँ और मैं प्रोफेशनली बैंक में जॉब करती हूँ। और माधव आश्रम भोपाल अग्निहोत्र का मतलब पूरे विश्व का केंद्र कार्यालय है जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं आश्रम की प्रचारक हूँ। आज जैसा कि कृष्ण भाई ने बताया है कि अग्निहोत्र जयंती आज का एक ये कार्य है, मतलब निमित्त कार्य है जिसके माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। और अग्निहोत्र जो है वेदों का विज्ञान है, वेदों की वाणी है, ईश्वर शक्ति का आदेश है जिसका पालन करना हम सभी मनुष्य का, जितनी भी मानव जाति इस ब्रह्मांड में जहाँ भी रहती है उसका कर्तव्य है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो इस प्रकृति से चलता है। यहाँ पर अभी जैसे कि और लोगों ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती के ऊपर में बताया, यानी प्रकृति के बारे में ही बताया। प्रकृति ही मनुष्य का जीवन है और उसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ये जो प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है, हमें जीवन जीने के लिए दी है, इसे बचाना ही हमारा नैतिक दायित्व है। और ये नैतिक दायित्व हम कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए ही वेदों का विज्ञान अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र जो वेदों का विज्ञान है वो हर युग में था। आप देखिए, द्वापर था, त्रेता युग था, सतयुग था, हर युग में अग्निहोत्र था। क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना के साथ ही वो वेदों की वाणी के माध्यम से इस दुनिया में आया और फिर ये विलुप्त हो गया। जब ये विलुप्त हुआ तो इसे पुनर्जीवित करने का जो कार्य है, उस कार्य करने के लिए ही महान भाव श्री माधव जी पोद्दार साहब इस दुनिया में आए और 22 फरवरी 1963 को इस ब्रह्मांड का, इस सदी का पहला अग्निहोत्र उन्होंने शुरू कराया। और आज पूरी दुनिया में लाखों लोग अग्निहोत्र करते हैं क्योंकि अग्निहोत्र जो है वो साहब ने मानव मात्र के लिए दिया। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सिर्फ मानव मात्र के लिए है। और समय और खर्चा नाम मात्र का है क्योंकि साहब ने जो अग्निहोत्र बताया है वो सिर्फ 5 नियमों का बताया है, जैसा कि अभी कृष्ण भाई ने बताया। और ये जो 5 नियम है वो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है कम समय और कम खर्च में, चाहे वो कितना गरीब हो चाहे वो कितना अमीर हो। क्योंकि जो यज्ञ रूपी कामधेनु ईश्वर ने हमें दी है उसे अपने घर में रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो किस भी स्थिति में रहता हो और कहीं भी रहता हो और दुनिया के कोने में कहीं भी हो। तो साहब ने हमें ये अग्निहोत्र दिया हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वेदों में लिखा है कि यज्ञ काम धेनु है और सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आपको यज्ञ रूपी काम धेनु अपने घर में रखने से मिलती है। और वेदों की जो वाणी है वो सभी हम जानते हैं कि वो प्रत्यक्ष ईश्वर वाणी है। ईश्वर का जो आदेश है वही पूरी दुनिया के लिए आदेश है। आज हमारे घर में पिछले 54 वर्ष से नियमित सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र हो रहा है और 54 वर्ष का हमारे परिवार ने अनुभव लिया है। और ये जो अनुभव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस अनुभव ने और आश्रम ने हमें प्रेरित किया है आप लोगों के बीच में आकर आज अग्निहोत्र बताने के लिए। माधव आश्रम जो ऐसा कि मैंने बताया पूरे विश्व का केंद्र कार्यालय है और आज पूरी दुनिया में अग्निहोत्र का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो माधव आश्रम के माध्यम से आदरणीय संचालिका जी, जो महान भाव श्री माधव जी पोद्दार साहब की शिष्या और उनकी बेटी हैं नलिनी माधव जी, उनके सानिध्य में हो रहा है। आज आश्रम का यही संदेश है, जन जन तक, घर घर तक अग्निहोत्र पहुंचे। निमित्त तो कोई भी हो सकता है। आज हम मैं आपके सामने आई हूँ तो ये मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ और आप यहाँ बैठे हैं तो आप भी अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं, ये सब ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि मैं राजकोट पहली बार आई हूँ और कैसे आई हूँ मैं को नहीं मालूम। मैं भोपाल से आई हूँ और मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मैंने छुट्टी ली और मैं यहाँ आई हूँ, आप कल्पना कर सकते हैं क्या। और मैं 2 दिन से सफर कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पर ये कुछ घंटे की बात करने के लिए। तो ये मेरी सोच नहीं है, ये ईश्वर ने मुझे सोच दी है। क्योंकि हम सभी इतना तो समझते हैं और जानते भी हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है ईश्वर ने बनाई। और कहते हैं ना कि उसके बिना तिनका भी नहीं हिलता,
तो फिर ये जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है दुनिया में तो उसकी इच्छा से हो रहा है, और अगर आप सुन रहे हो मैं बोल रही हूँ तो उसकी इच्छा है। निमित्त मैं हूँ और उस निमित्त के माध्यम से आपके सामने हूँ, और अग्निहोत्र बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 54 वर्ष से हमारे घर में अग्निहोत्र हो रहा है। मेरी जो सासू माँ है वो 74 वर्ष की है, आज भी वो फिट है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। नियमित सूर्योदय सूर्यास्त पर वो नित्य अग्निहोत्र कर रही है। अग्निहोत्र का एक अनुभव भी मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहूंगी। आप सभी ने भोपाल गैस कांड की दुर्घटना सुनी होगी। भोपाल गैस कांड की जो दुर्घटना है इस सदी की बहुत बड़ी एक त्रासदी है, मतलब ऐसी त्रासदी जिसमें 3 दिसंबर 1984 की रात को, मतलब रातों रात में सिर्फ 26,000 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ शब्द मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये तो सिर्फ उस MIC गैस लीकेज की वजह से हुआ, लेकिन आज जो हमारे पूरी दुनिया में ये जो प्रदूषण फैला हुआ है इससे तो 26 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। हम इस बात को ध्यान ही नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति मरता है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट में कभी नहीं आता है कि वो वायु प्रदूषण से मरा या जल प्रदूषण से मरा या धरती के प्रदूषण से मरा, क्योंकि जो हम अनाज खा रहे हैं, आज हमने अपनी धरती माँ को जो जहर दिया है वो जो हम खाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी जो होती है उसका कारण ये है कि आप जो किसान भाई हमारे यूरिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं वो भोजन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये हमारे परिवार के लिए, हमारी इस पृथ्वी के लिए हम सभी का दुश्मन है। हमें इसे ठीक करना है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे रहें, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे घर में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि रहे, और राम राज्य आए। भगवान राम तो आए थे, लेकिन भगवान राम ने अपने जीवन में आजीवन भर अग्निहोत्र किया और उनकी सारी प्रजा ने। राम राज्य का अर्थ यही है, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि, क्योंकि हर घर में यज्ञ रूपी कामधेनु थी। जब ईश्वर ने आपको कामधेनु दी है तो हमें अपने घर में रखना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जो इस प्रकृति से लेता है उसका देना बनता है, नहीं तो मेरी नजर में चोर है। यानी हमारे जो आराध्य देव हैं जिन्हें हम पूजते हैं मानते हैं, उन्होंने खुद अपने जीवन में अग्निहोत्र किया और लोगों को ये खुद प्रत्यक्ष बोला है कि आपको भी अपने जीवन में ये करना है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आएगा उसको ईश्वर के नियम का पालन करना ही है, चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों ना आए। तो हमने देखा ना कि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी आए, वो इस धरती पे आए तो वो भी इस प्रकृति के ऋणी बने। जैसे हम सभी कहते हैं ना मातृ ऋण पितृ ऋण, वैसे ही प्रकृति का ऋण हम सब पर है। ये तो हमारी बोलते हैं ना नेचर माँ, यानी हमारी माँ है ये प्रकृति, हमारी माँ है क्योंकि यही तो हमारा पालन पोषण करती है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह जाएंगे? ये गाड़ी बंगले कारखाने ये सब किस काम के? अगर हमें खाने को ना मिले, पानी ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो फिर मनुष्य के जीवन का अस्तित्व ही क्या है? यानी हमारा अस्तित्व तो हमारी इस प्रकृति से है। तो जैसे मैंने बोला कि जो भोपाल गैस कांड था, फिर मैं आप आगे बढ़ी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि भोपाल गैस कांड में हुआ क्या कि जो 3 दिसंबर 1984 में दुर्घटना हुई उस समय हमारा घर जो था वो जो MIC गैस लीकेज हुआ वही उसी के पास में था, और मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर इन लॉ छोटे छोटे से थे उस समय, और रात को करीबन 1 बजे की घटना है। तो गैस लीकेज हुआ और पूरे घर में उस समय वो जो कवेलू वाले मतलब कपड़ेल वाले जो घर होते हैं वो घर था वो, तो भरपूर गैस हमारे घर आए। लेकिन हमारे घर में नित्य अग्निहोत्र होता था, तो क्या हुआ कि भगदड़ मची पूरे भोपाल में, बहुत ज़्यादा भगदड़ मची थी, और हमारा जो घर था वो मोमेडियन कॉलोनी में था, तो रात को तो अग्निहोत्र नहीं करते क्योंकि अग्निहोत्र का सूर्योदय सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त का अग्निहोत्र अपने घर में हो चुका था, रात का 1 बजे का समय था। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने बोला कि अब हम महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में अग्निहोत्र करता है उसे महामृत्युंजय करने का अधिकार है। तो अग्नि रात को महामृत्युंजय यज्ञ शुरू हुआ और जितने भी मॉन्डन्स लोग थे उनको भी बुला लिया, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी तो अपने से जो अच्छा होता अपन ने किया, उन्हें भी बुला लिया। फिर सूर्योदय तक महामृत्युंजय हुआ, जैसे सूर्योदय हुआ अपन ने 2 वेद मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी, अग्निहोत्र अपना संपन्न हुआ, उस घर में जितने लोग थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये जो घटना है ये हमारे सामने एक उदाहरण है किस बात का, कि भोपाल गैस कांड जो इतनी बड़ी मतलब त्रासदी है इस सदी की जिसे पूरा विश्व जानता है, उस घटना में हम बच गए।
हमारे परिवार को काफी लोग जानते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में ऐसा आया। ये कहने का मेरा मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये है कि वो घटना मतलब ईश्वर ने घटित की सिर्फ लोगों को एक उदाहरण देने के लिए कि कितनी भी बड़ी त्रासदी हो, विपदा हो, लेकिन हमने आपको वो साधन दिया है जिससे आप बच सकते हो। तो ये उदाहरण हम लोगों के सामने है। तो आज हम समझ सकते हैं कि हमारे जो वातावरण है, हमारा जो घर है, हमारे जो मतलब जिंदगी जो चल रही है, जैसे कहते हैं ना, एक कहते हैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस, फिर एक पैसेंजर होती है, फिर वो धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी, मतलब एक कैटेगरी होती है। तो आज हमारी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे चल रही है, कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि वो चलेगी भी नहीं, क्योंकि हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो कितनी शुद्ध है। आज जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा मुझे गुजराती समझ में आता है, तो मुझे समझ में आया कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और भी लोग गाय आधारित कृषि, कृषि बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन उसमें हमें अग्निहोत्र जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जमीन को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम अपने वातावरण को कुछ नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक मैं मुझे मालूम है कि पौधे 90% वातावरण से लेते हैं, तो शुद्ध वातावरण तो पौधों को भी चाहिए। हर जीव जिसमें जान है उसे शुद्ध वातावरण चाहिए, चाहे पौधे हो चाहे हम हो। जब हम केमिकल फार्मिंग करते हैं पौधों के ऊपर, जब हम रसायन छिड़कने जाते हैं, तो पौधा भी सहम जाता है, क्योंकि उसमें भी जान है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर है, हम अपने घर में रोज वो खाना जो खाते हैं, वो इतना सारा जहर खाते हैं कि हमारा शरीर तो अंदर से वो सहमा हुआ, हमें पता नहीं चलता है। वो पता तब चलता है जब कोई बीमारी हो जाती है। इसलिए आज जो बीपी है, डायबिटीज है, ये सब पेटेंट बीमारियां हैं। आज कोई घर है ऐसा जिसके घर में बीपी या डायबिटीज नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर घर में ये बीमारी है। तो ऐसा क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, आज से 50-60-70 साल पहले जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बीमारियां होती थी, पर आज ये पेटेंट बीमारियां हैं। और भी बीमारियां हैं, अब कैंसर भी बहुत आम बीमारी हो गई है, और अभी सबसे ज्यादा फेमस बीमारी है साइलेंट अटैक, हर किसी को होती है, किसी उम्र में होती है, और डायबिटीज तो 9 साल के बच्चे को भी होती है। तो हमें ये सोचने की आज जरूरत है कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। हम सुविधाएं तो सब जोड़ रहे हैं और दे भी रहे हैं अपने बच्चे को, परिवार को, लेकिन वो सुविधा जो हम दे रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे जो जीवन का आधार है वो क्या सुरक्षित है, क्या हम सुरक्षित हैं या बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब कुछ दे जाएं, लेकिन हमारी जो मेहनत की कमाई है वो डॉक्टर ले जाए, तो फिर क्या मतलब। लोग मेहनत करते हैं दिन रात 24 घंटे, अपने परिवार के लिए पैसे जोड़ते हैं, उनको अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन जब वो सारे पैसे डॉक्टर को फालतू में ही चले जाते हैं, तो कैसा लगता है? आपका स्वास्थ्य भी गया और पैसे भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए जिसमें भरपूर ऑक्सीजन हो। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पर कितनी शुद्ध है। आज आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में, जिसे कहते हैं गैस चैम्बर, दिल्ली की स्थिति यह है कि वहाँ इतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण है कि जब ठंडियों के सीजन आता है वहां पर तो स्कूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको अस्थमा हो जाता है, और अस्थमा की बीमारी आज बहुत ज्यादा है, शहरों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और बड़े बुजुर्गों में भी ये बीमारी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ प्रदूषण में जी रहे हैं। आज हमारा इम्यून सिस्टम, जिसे कोरोना ने बताया लोगों को, जब कोरोना हुआ तो लोगों को पता चला कि इम्यून सिस्टम भी होता है, जिसे हम देखते हैं कि आज हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया है। इसलिए हम बीमार सतत होते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है वायरस हमारे पर अटैक कर देता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम सब देख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, इसलिए हमें बचना है, हमें स्वस्थ रहना है, और अपनी भावी पीढ़ी को कुछ अच्छा देके जाना है। क्योंकि पैसा तो हमने जोड़ लिया, लेकिन उनके लिए अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छा ऑक्सीजन भी हमें जोड़ना है। उसका माध्यम अग्निहोत्र है, और पोद्दार साहब ने ये जो अग्निहोत्र दिया, जैसा कि अभी कृष्ण भाई ने बताया कि भगवान परशुराम जी का एक कार्य है। भगवान परशुराम जी ने कलयुग में प्रतिज्ञा की है कि हर व्यक्ति को अग्निहोत्र करना है, और उन्होंने ये कार्य जो है गजानन महाराज श्री जी को दिया, और श्री जी ने कार्य महान भाव श्री माधव जी पोद्दार साहब से कराया। यानी श्रुति पुनर्जीवन का जो कार्य है पोद्दार साहब ने किया, और आज ये जो श्रुति पुनर्जीवन का कार्य हुआ है, और ये जो वेदों का विज्ञान दुनिया में आया है, इसका अनुभव हम जैसे लाखों लोग हैं जो ले रहे हैं। पूरे 112 देशों में लोग अग्निहोत्र करते हैं, और ये जो पांच नियम, पहला नियम
सूर्योदय सूर्यास्त का समय, यानी आपका जो क्षेत्र है उसमें जो सनराइज सनसेट का समय है उस समय पर ही आपको अग्निहोत्र करना है। दूसरा नियम, निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र। ये निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र या तो आपका तांबे का होना चाहिए या माटी का होना चाहिए। तांबे के अलावा आप किसी भी धातु में हवन करते हैं या अग्निहोत्र करते हैं तो वह वर्जित है। तीसरा नियम, गाय का छाणा यानी गाय के गोबर का कंडा, देसी गौवंश का जो हमारा छाणा होता है उसे हमें अग्निहोत्र में प्रयोग करना है। चौथा नियम, गाय का शुद्ध घी यानी हम जब भी अग्निहोत्र करेंगे या कोई भी हवन करें बिना गाय के शुद्ध घी के नहीं हो सकता। पांचवा नियम है हमारा अक्का छोका और दो वेद मंत्र का उच्चारण। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त पे हमें वेद मंत्र का उच्चारण करके आहुति देना है। और सूर्योदय सूर्यास्त का समय इसलिए क्योंकि ये संधि काल होता है, पूरा दिन 24 घंटे का होता है, उसमें दो छोटे संधि काल होते हैं। संधि काल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि उसी समय सारे परिवर्तन हमारी प्रकृति में होते हैं और यही परिवर्तन हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए उस समय हम वेद मंत्र का उच्चारण करके आहुति देते हैं और उससे जो धुआं और लौ निकलती है, जो गैसेस निकलती है उसे ग्रहण करते हैं और यही जो गैसेस हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, अंदर से हमें शुद्ध और स्वस्थ करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। और एक बार का जो अग्निहोत्र है वो 8000 घन फीट एरिया के 77.5% वातावरण को शुद्ध करता है, यानी आज अग्निहोत्र की हम सभी को आवश्यकता है। आज हम चाहते हैं कि हमारे घर का जो वातावरण है 24 घंटे शुद्ध रहे, हम स्वस्थ रहें, हमें मनोह शांति मिले। आज सबको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मनोह शांति। हम सारी चीजें तो जोड़ लेते हैं लेकिन मनोह शांति नहीं पाते हैं। अग्निहोत्र करने से हमें मनोह शांति मिलती है, यानी यह है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं सिर्फ शुद्ध वातावरण स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, वो हमें खुद ही तैयार करना है। उसके लिए हमें नित्य अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र करने के बाद जो उसकी भस्म बचती है वो भी बहुत उपयोगी है क्योंकि भस्म जो है बहुत बड़ी औषधि है। हम अपने घर की चिकित्सा में, छोटी मोटी बीमारियों में भस्म का नियमित उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर्दी खांसी जुकाम पेट दर्द, बहुत सारी छोटी बीमारियां होती हैं जो रोज होती हैं, हमें डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो पीने का पानी है उसे एल्कलाइन करना है, प्यूरिफाई करना है, तो अग्निहोत्र भस्म का उसमें उपयोग करते हैं। हमारे किसान भाई खेत में अपनी अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करें। आप देखिए अग्निहोत्र भस्म में इतनी ताकत होती है कि अगर जमीन बंजर हो जाए तो उससे आप उसे उपजाऊ बना सकते हैं। हम अपने फसल में जो सिंचाई करते हैं, हम जो बीजारोपण करते हैं, भंडारण करते हैं, निदाई गुड़ाई सब में अग्निहोत्र भस्म का उपयोग होता है क्योंकि भस्म में इतनी ताकत होती है, तो अग्निहोत्र में कितनी ताकत होगी? भस्म तो उसका अवशेष है, यानी अग्निहोत्र क्या नहीं दे सकता आपको, सब कुछ देने वाला है, बस आपको उसे अपनाना है, अपने जीवन में लाना है। सिर्फ 10 मिनट सूर्योदय और सूर्यास्त पर निकालना है, किस लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। हम जब करेंगे तो हम अनुभव करेंगे क्योंकि अग्निहोत्र अनुभव का विज्ञान है। जो व्यक्ति करता है वही अनुभव कर सकता है। हमारे घर में हमने किया, हमने उसे अनुभव किया, आप करेंगे तो आप अनुभव करेंगे। अनुभव कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा अनुभव और मैं बताना चाहूंगी, मेरा एक खुद का अनुभव है। मैं जब 13-14 साल की छोटी सी थी तब मुझे खांसी की प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम मुझे 10 साल तक रही, वो कभी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने जब अग्निहोत्र शुरू किया तो मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 महीने लगे होंगे और मुझे जो प्रॉब्लम थी वो सामान्य प्रॉब्लम नहीं थी। काली खांसी मुझे हुई थी और उसमें ऐसा था कि मुझे जब खांसी आती थी तो मैं लगातार खांसती थी और पूरा मेरा चेहरा लाल हो जाता था, आंसू आने लगते थे, इस तरह की खांसी होती थी। तो आप सोचिए जो इस तरह की बीमारी मुझे हुई और 10 साल मैंने इलाज कराया लेकिन कभी एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ। मैंने अग्निहोत्र शुरू किया, उसके बाद मेरी ये बीमारी ठीक हुई। उसका कारण ये है कि अग्निहोत्र करने से जो गैसेस निकलती हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपिलेक्टन और फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ये गैसेस निकलती हैं जिसको आज तक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस को हम जानते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर में फॉर्मेलिन एसिड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड गैस का छिड़काव किया जाता है क्योंकि उस वातावरण में जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको निष्क्रिय करने के लिए। तो मेरा अनुभव यह है कि जब मैं नियमित अग्निहोत्र करने लगी तो मेरे जो ये लंग्स वीक हो गए थे और जब भी वेदर चेंज होता था तो मुझे इन्फेक्शन होता था, तो मेरे जब लंग्स मजबूत हो गए तो मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ। जब इन्फेक्शन नहीं हुआ तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अंदर से मजबूत बनना है, हमारी अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करना है ताकि हम बीमार ना पड़े, और हम बीमार नहीं रहेंगे तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी आज हमारी समस्या क्या है? बीमारियां, और लोग उससे जूझ रहे हैं और हर घर में जूझ रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से स्वस्थ है?
मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज हम जिस वातावरण में रहते हैं सभी को मालूम है कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती हैं। तो आवश्यकता इस बात को जानने की है कि हम लोग इस विषय को गंभीरता से लें, हम अपने घर में वो समय निकालें और अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य को वो समय दें, ताकि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाएं। अभी अग्निहोत्र का सूर्यास्त का समय यहाँ 6:43 है, तो अभी यहाँ पर पात्र लगाए गए हैं और आप सभी लोग जो भी अग्निहोत्र करना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। 5 नियम मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।